गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास का हमारा जो चैप्टर चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 पे चलते हैं। 5.3 एक्सरसाइज जो हमारी है उसमें हमने उससे पहले हमने एक रिजल्ट तैयार किया था सम ऑफ एन टर्म्स का। यदि हमें कोई एपी दी गई है और उसमें एन टर्म्स का हमें सम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हम पहले डिराइव कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, और उसी फॉर्मूले के ऊपर हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जिक्र करेंगे जो हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें एपी दी हुई मिलेगी और उस एपी का हमें सम निकालना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.3 एनसीईआरटी से। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो हमें लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ एपी 1/15, 1/12, 1/10। ये हमारे पास एक एपी दी गई है। इस एपी में हमें बताना है कि उनका सम क्या होगा। ये हमारी पहली टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है इसको हम यहाँ पे A1 से लिखते हैं, जो सेकंड टर्म है इसको हम A2 से लिखते हैं, और जो थर्ड टर्म होती है उसको A3 से लिखते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो टर्म्स है वो आगे चलती रहती हैं, ठीक है। और हमें अप टू 11 टर्म्स, 11 पदों का सम निकालना है, यानी 11 पदों का हमें जोड़ निकालना है। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, इस तरह से हमारे पास जब 11 पद हो जाएंगे तो उनका हमें सम निकालना है कितना होगा। हमें यहाँ पे डायरेक्ट सम नहीं निकालना है कि हम इनको प्लस करने लग जाए एलसीएम लेके, इस तरह से हमें नहीं करना है। यहाँ पर हमें इस एपी का सम निकालना है और वो सम हमें एस एन के फॉर्मूले से निकालना होगा। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एस एन ये होता है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये होता है Sn का फॉर्मूला। Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, यानी n टर्म्स का जोड़ इज इक्वल टू n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि आपको यहाँ पे 5 टर्मों का सम निकालना हो तो आप n की जगह 5 रख दीजिए, 10 टर्मों का सम निकालना हो तो n की जगह 10 रखेंगे। यहाँ पर हमें 11 टर्मों का अप टू 11 टर्म्स, या लिखा हुआ देखो 11 टर्म्स यानी 11 पद, हमें 11 पदों का जोड़ निकालना है, सम निकालना है, तो हम यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन मैं पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे डेराइव होता है, कैसे बनता है। बाकी हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है, इसी के ऊपर हमारे क्वेश्चन होंगे। तो Sn की वैल्यू हमारे पास ये होती है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और यहाँ पे n का मान 11 रखेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके कई पार्ट हैं, 4-5 पार्ट है, या 4 है, या 3 है, जितने भी पार्ट हैं ये सारे के सारे पार्ट एक ही लेवल के हैं, यानी कि एक ही पैटर्न से होंगे, इसी तरीके से होंगे। किसी में 10 टर्मों का सम पूछा है, किसी में 11 टर्मों का सम पूछा है, किसी में 100 टर्मों का सम पूछा गया, तो उसी तरह से आप n का मान है वो चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ 11 टर्म्स का सम पूछा गया तो n का मान हम 11 लेते हैं। इसके बाद हमें क्या चाहिएगा n के अलावा, ये n है, इस n का मतलब होता है टर्म्स, तो यहाँ पे 11 टर्म है, ये 11 टर्म दिए हुए हैं तो 11 रखेंगे। a का मान चाहिए हमें, d का मान चाहिए। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यानी सबसे पहली टर्म क्या है, और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है दूसरी टर्म में से पहली टर्म को घटाओ, जो आता है घटाने के बाद वो हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे हम बातचीत करेंगे पहले फर्स्ट टर्म के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ए यानी कि इसको मैं A1 भी लिखता हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास है 1/15। इसके बाद मैं डी निकालता हूँ, डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस का मतलब हुआ A2 माइनस में A1, A2 में से A1 लेस करता हूं, यानी A2 का मतलब कितना हुआ 1/12 माइनस A1, A1 का मतलब यहां पे 1/15, 1/12 माइनस 1/15। अब देखिए इन दोनों को मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वो मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा।
पहली टर्म मेरे पास आ चुकी है 1/15, दूसरी टर्म ये होती है 1/12, तो डी निकालने के लिए मैं दूसरी टर्म में पहली टर्म घटाऊंगा, ये आ जाएगा। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, 12 और 15 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे मैं इसको सोल्व करके देख लेता हूँ, 60 इसका एलसीएम बन जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा। 60 को 12 से डिवाइड करते हैं, 5 पे चला जाएगा, 12 5 60 5 माइनस 60 को फिर 15 से करते हैं, 15 2 30 15 3 45 15 4 60 तो 4 हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बच गया 5 - 4 1/60, तो ये आपके पास आ जाएगा डी का मान, यानी कॉमन डिफरेंस, दिस इज अ कॉमन डिफरेंस, डी का मान आ गया। ए का मान 1/15 हो गया। अब हमें निकालना है एस एन, और एन का मान क्या रखेंगे, 11 दिया हुआ है यहाँ पे, 11 टर्म दी हुई है, 11 टर्मों का जोड़ निकालना। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये लिखा है अप टू 11 टर्म्स, 11 पदों का सम निकालना है। आगे अगले क्वेश्चन में चलेंगे ना तो वहां पे थोड़ा अलग मिलेगा आपको, ध्यान से करना में। तो एन का मान हम 11 रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा एस एन का, तो एन की जगह हम 11 रखेंगे, तो एस 11 इज इक्वल टू, देखिए एन बाई टू, यानी 11/2 हो जाएगा, 2 × a, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे हम यहाँ पे, 2 × a, यानी 2 की गुणा करेंगे a के साथ, 2 की गुणा a के साथ, a का मतलब हुआ 1/15, तो 2 की गुणा 1/15 से करते हैं तो 2/15 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पे, n माइनस 1, n का मतलब हो गया 11, 11 में से कम कर दो 10, और 10 × d का मीनिंग है यहाँ पे 1/60, तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। इसको थोड़ा सिंपलीफाई और कर लेते हैं, यानी ये आ जाएगा 11/2, और यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो, इन दोनों का एलसीएम 60 ले लेते हैं, 60 हमारा एलसीएम आ जाएगा, और 15 से बाहर देंगे 60 को, 4 में 4 × 8 हो जाएंगे, प्लस 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा 11/2 इंटू में 10 प्लस में 18/60 हो गया। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 से ये 9 पे कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 99/60। इसको आप और भी कैंसिल कर सकते हो, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, और ये 3 × 6 = 0, यानी 33/20, उनका सम कितना आ जाएगा, 33/20, यानी 33/20, ये आ जाएगा उन 11 टर्मों का जोड़, यानी एस एन का फॉर्मूला हमने सिंपली लगाया है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम आसानी से कर सकते हैं, हमें एन टर्म्स का सम ही निकालना था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है, फर्क हमें पहचानना है, वो क्या डिफरेंस है पहले और दूसरे क्वेश्चन में। देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी हमें सम ही निकालना है, लेकिन देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको ये एक सीरीज दी हुई है, ये एक एपी की फॉर्म में एक सीरीज दी हुई है, सीक्वेंस नहीं है ये, एक सीरीज है। सीरीज का मतलब होता है जब बीच में प्लस का निशान लगा दिया जाता है तो वो सीरीज बन जाती है। अब देखिए इस सीरीज में पहचानो कि कौन सी टर्म कौन सी है, जैसे ये 7 है, इस 7 को मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, ये 7 है पहली टर्म, इसको मैं ए कह दो चाहे A1 कह दीजिए, ठीक है। अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालना चाहूं डी, तो डी का मतलब होता है दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटा दो, दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटा दो, तो दूसरी टर्म क्या है मेरे पास, दूसरी टर्म है मेरे पास 10 होल 1/2, यानी 10 होल 1/2 है मेरे पास दूसरी टर्म। इसको मैं थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ, 10 होल 1/2, इसको सही करूंगा तो 2 की 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 20, और 20 में 1 ऐड हो जाएगा, 21/2 हो गया, ठीक है। इसमें से मैं A1 लेस करूंगा, यानी सब्ट्रैक्ट करूंगा, A1 का मतलब हुआ 7, 7 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, 2 आ जाएगा एलसीएम, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ गया 21 माइनस में, अब यहाँ पे 2 को 1 से करेंगे डिवाइड तो 2 ही आएगा, 7 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 14, यहाँ बच गया मेरे पास 7/2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 आ गई, ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू 7 होगी। अब ए का मान हो गया, डी का मान हो गया, ठीक है, हाँ मान आ गया 7, अब मेरे पास ये डी का मान आ गया 7/2, उसके बाद मेरे को निकालना है एन का मान। अब ये लास्ट में ये जो दिया हुआ है 84, देखिए ये सीरीज के अंदर ऐड हुआ है,
यानी कि पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और ये सीरीज में या लास्ट में दिया हुआ है, ये प्लस के बाद 84 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 84 है ये यहाँ पे एन का मान नहीं है, ये हमारी लास्ट टर्म है, यानी कि 84 है ये ए एन का मान है। दिस इज इक्वल टू लास्ट टर्म, तो ये एल की वैल्यू बनेगी, यहाँ पे एन का मान नहीं होगा। पिछले जो क्वेश्चन में हमने देखा था, लास्ट क्वेश्चन में हमने जिक्र किया था, वो यहाँ पे देखिए अप टू 11 टर्म्स थी, तो यहाँ पे जो 11 है वो एन का मान था। यहाँ पर ये टर्म्स वर्ड लिखा हुआ है, जहां ये टर्म्स वर्ड लिखा आ जाए वो आपके पास एन का मान बन जाता है। तो ये हमारे पास एन का मान होगा और ये एन का मान नहीं है, ये हमारे पास होगा एल का मान, यानी लास्ट टर्म होगी ये। एल का मतलब आप कह सकते हो एल इज इक्वल टू ए एन, और इसको हम कह सकते हैं एन टर्म। ये तीनों नाम एक ही होते हैं, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, एन टर्म या ए एन, ठीक है। अब ये आपके पास जो 84 है ये ए एन का काम करेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 84 इक्वल्स टू ए एन। अब देखिए ए एन का मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। अब ए की वैल्यू है मेरे पास 7 और एन माइनस में 1 इंटू डी, डी का मान कितना था 7/2 था, तो 7/2 लिख दूंगा मैं, और इधर मेरे पास है 84। अब इस 7 को मैं इधर ले आता हूं, सबट्रैक्ट कर देता हूं, 84 है, 84 में से मैं 7 घटा देता हूं, 77 बच जाएंगे, 77 बच गए मेरे पास, तो यहां मेरे पास बच जाएंगे 77 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 7/2। देखिए अब ये 7/2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आएंगे यहाँ से हट जाएगा मल्टीप्लाई में से, और इधर ले आएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2/7 बन जाएगा। 7 से हम इसको कैंसिल करते हैं, 7 × 7 = 7, तो 11 × 22 होंगे बराबर एन माइनस वन। माइनस वन को मैं इधर लाके जोड़ूंगा इसमें, यानी एड हो जाएगा, इधर आके तो 23 = n, n का मान कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, यानी n की वैल्यू होगी यहाँ पे 23। n की वैल्यू कितनी होगी 23 होगी। इसके बाद हमें क्या क्या चाहिए एसन में, एसन में हमें क्या क्या चाहिए, n बाय 2 चाहिए, 2a चाहिए, n माइनस 1 इंटू डी चाहिए, यानी n का मान चाहिए, a का मान चाहिए और d का मान चाहिए, तो सारी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इसके अलावा एक डायरेक्ट फॉर्मूला और भी होता है एसन का, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, एसन का ये भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, एन बाई टू इंटू ए प्लस में एल, ये भी शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास एल का मान है इसलिए, क्योंकि एल का मतलब होता है ए एन। देखिए L यहाँ पे ये है, L का मतलब होता है an, यानी L means होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को ही nth टर्म बोला जाता है, तो L आपके पास आया हुआ है और A भी आपके पास है और N भी है, तो ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हैं। तो हम सेकेंड फॉर्मूला लगाते हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा अपना क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम N का मान पुट कर देते हैं 23, तो आपके पास आ जाएगा एस 23 बराबर 23/2 हो जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो n का मान तो हो गया यहाँ से हमारे पास 23 हो जाएगा। अब यहाँ पुट करें हमने 23/2 a प्लस में l, a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, देखिए a की वैल्यू है 7, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास है 7 और लास्ट टर्म हमारे पास कितनी थी, यानी कि लास्ट टर्म ये वाली 84 थी, लास्ट टर्म 84। अब 84 में हम 7 ऐड कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 84 को और 7 को ऐड करेंगे यहाँ पे तो 91 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 23/2 गुणा में 91, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लेंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसा ना आ जाएगा, इसको हम सोल्व आउट करके देख सकते हैं क्या आएगा, इनके हम गुणा कर लेते हैं, गुणा करने के बाद जो भी आता है यहाँ से वो हमारा ऐसा हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, एन टर्मों का सम बन जाएगा ये। अब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो इससे भी वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। जैसे हम यहाँ सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट में भी इसी तरह की कहानी होगी हमारे पास, बिल्कुल सेम है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी हमें सम ही निकालना है, दे क्या रखा है वो देखना हमें यहाँ पे भी सेकेंड पार्ट में। देखो यहाँ पे ये जो -5 है ये हमारी फर्स्ट टर्म है, तो a की वैल्यू तो हो गई -5, फिर हमें निकालना है d का मान, d का मतलब होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे हम,
तो सेकंड टर्म हमारे है माइनस का 8, इसमें से हम घटाएंगे फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म का मतलब माइनस 5 को, माइनस 5 को घटाएंगे, तो यहां से माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस 8 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 3 हो गया हमारे पास, डी का मान हो गया। अब जो लास्ट में हमारे पास इसमें क्या है, माइनस का 230, ये माइनस का 230 लास्ट टर्म है, ये एक लास्ट टर्म होगी यहाँ पे, ये एन का मान नहीं बनेगा, ये लास्ट टर्म है जो आपकी ये सीरीज दी हुई है, सीरीज में बिल्कुल आखिर में लिखी गई है, दैट इज इक्वल टू एनथ टर्म, तो इसको हम कह लेंगे ये एन का मान हो गया माइनस का 230। अब एन का आप फॉर्मूला लगा दीजिए, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 230। इसको आगे सोल्व आउट कर लेते हैं हम, यहां से हमारे पास एन का मान आ जाएगा, और यहां पे आपके पास ए का मान है माइनस का 5 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान आया था माइनस का 3 और बराबर माइनस का 230। अब माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस का 3 इक्वल टू ये माइनस का 5 आई है इधर लेके आएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, यानी माइनस का 230 और इसमें 5 जोड़ेंगे तो माइनस के 225 हो जाएंगे हमारे पास। अब देखिए ये माइनस का 3 है ये यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, ये माइनस 3 यहाँ गुणा में है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ माइनस 3 को, तो ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काट दो इसको, 3 सात 21 एक बच जाएगा यहाँ पे, 3 पंदे 15 हो जाएगा, यानी कि अपने पास 75 पे कैंसिल हो गया। अब हम n का मान निकालेंगे, ये n माइनस 1 है तो इस माइनस 1 को उधर ले जाते हैं, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75 में एक ऐड कर देंगे 76 हो जाएगा, तो n का मान आपके पास कितना आ गया 76, हमें वही सम निकालना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, n का मान आ गया 76, तो n की जगह पे 76, यहाँ पे भी 76 अपॉन 2 a प्लस में l, a का मतलब फर्स्ट टर्म, l का मतलब लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म होगी माइनस का 5 और जोड़ देंगे लास्ट टर्म का मतलब हो गया माइनस का 230, ये लास्ट टर्म है an, an को यहाँ l बोलते हैं, तो माइनस का 230, माइनस 230। अब प्लस और माइनस टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ही आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 76 अपॉन में 2, 2 से कैंसिल कर दो इसको, 2 3 जा 6 हो गया और 38 पे कट जाएगा, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 38 पे कैंसिल हो गया है, अब यहाँ से आ जाएगा 38 और यहाँ पे गुणा में माइनस का 5 और माइनस का 230, माइनस का 235, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे वहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमें यहाँ एसन का फॉर्मूला लगा के हम इन टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बेस है इस एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज में हमें ज्यादातर एसन का ही फॉर्मूला यूज करना है, एसन का फॉर्मूला हमें ये वाला और ये वाला दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद करने पड़ेंगे, कंठस्थ अच्छी तरह याद होने चाहिए, इनका डेरिवेशन हम पीछे करवा चुके हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।